वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू जर्नी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो अभी एक घंटे पहले एक जर्नी ख़त्म की और अब दूसरी जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आएगी जिससे मैं दिल्ली तक यात्रा करूँगा जयपुर से, और जो ट्रेन वो चलती है भुज से बरेली तक, और जो जिसमें मैं ट्रेवल करने वाला हूँ वो अला हज़रत, उसका ट्रेन का नाम है अला हज़रत एक्सप्रेस, वो उससे बरेली चलती है। उसके दो नंबर है उस ट्रेन के, 04322 और 04312। तो जब भी आप टिकट करा रहे हो तो ये नंबर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि दोनों ट्रेन में थोड़ा रूट का डिफरेंस है, थोड़ा रूट का डिफरेंस है दोनों में, और जहाँ रुकती है उसका भी डिफरेंस है, इसलिए दोनों ट्रेन में ये एक डिफरेंस है रूट का और स्टेशन जहाँ रुकती है। बाकी और टाइमिंग का भी डिफरेंस है, जो शाम को चलती है, एक शाम को चलती है, एक दोपहर में चलती है, तो ऐसा कुछ टाइमिंग है, 2-3 घंटे का अंतर है जो बस से चलती है। और फिलहाल यहाँ की चाय पी थी मैंने, काफ़ी अच्छी चाय थी, मतलब इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, मसाला चाय है। और जयपुर अपनी पिंक सिटी है और राजस्थान की राजधानी, और यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है यहाँ पे, और इसके आगे जो है अजमेर की तरफ हो रही है। और अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, पूड़ी सब्जी पेटीज जूस चाय कॉफ़ी और चिप्स कुरकुरे समोसे पेटीज, ये सब आपको मिल, सब कुछ लगभग सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। और अगर सुबह और शाम की बात करूँ तो मोस्टली पेटीज मिल जाएंगी आपको, और जो नॉर्मल पैक फूड है वो मिल जाएगा, पूड़ी सब्जी का तो दोपहर में, दोपहर 10 बजे के बाद ही अवेलेबल होती है। टाइम ही आई है, पहले नहीं आई, मुझे लगा था पहले आ जाएगी, 15 मिनट का हॉल है, हॉल्ट है यहाँ पे, 8:35 पे डिपार्चर है और 8:20 पे आई है। आपको दिखा दूँ कोच का थोड़ा इंटीरियर, यहाँ सॉकेट दे रखा है और यहाँ लाइट और फैन के लिए है, देख लो। ये देख लो मिरर, थोड़ा गंदा है, वॉश बेसिन ठीक सा नहीं है, यह है आप देख लो, वॉशरूम के अंदर जाऊंगा नहीं, वो भी एवरेज ही होगा वॉशरूम। बस थोड़ी देर में डिपार्चर होने वाला है दिल्ली के लिए, शुरू करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है इसके, दिल्ली से पहले 14 हॉल्ट है इसके। ये देख के अच्छा लगा मुझे, thank you.
देख लो ऑन टाइम डिपार्चर जयपुर जंक्शन से। टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री है सेल्सियस के आसपास है। तो ऑन टाइम डिपार्चर जयपुर से हो गया है अपनी पिंक सिटी जिसे कहते हैं हम। और काफ़ी अच्छी सुबह है, धूप भी निकली है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आपको वॉशरूम में अभी क्लीनिंग हुई थी तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जयपुर का जंक्शन निकले बड़ा जाता है, दूसरी तरफ जो लाइन देख रहे हैं आप वो चली गई सवाई माधोपुर की तरफ चली गई लाइन। तो जयपुर जंक्शन है, तो यहाँ पहुँचे थे, अभी बस डिपार्चर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑन टाइम ही पहुँचे 5 किलोमीटर की जर्नी के बाद जयपुर से। और स्टेशन का कोड है GADI, जयपुर गांधीनगर, या गांधीनगर जयपुर आप बोल सकते हो कुछ भी। 4 ट्रैक और 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। यहाँ से भी डिपार्चर हो रहा है हमारा। खाने पीने के आइटम आपको मिल जाएगी सब कुछ। फिलहाल पहुंच चुके हैं गेट और जगतपुरा। 10 किलोमीटर की जर्नी यहाँ का कंप्लीट हो गई है। और स्टेशन का कोड है GTJT, छोटा सा स्टेशन है वही। 4 प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा ही काम चल रहा है। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम पे चल रही है, तो शुरुआत ही हुई है जर्नी की। तो निकलते हैं, अब दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। और खाने के बारे में मैं बोलूँ तो पानी लगभग मिल जाएगा यहाँ पे, पानी और छोटा मोटा कुछ खाने के लिए, बाकी सब चीज़ें तो अवेलेबल शायद ना हो।
फिलहाल हम दौसा पहुंच चुके हैं स्टेशन कोड अड्डी और दौसा से पहले मैंने समोसा लिया था तो काफ़ी एक खा लिया मैंने दो लिए थे तो काफ़ी अच्छा ही लगा मुझे गर्म था उसका दिखा दूँ मैं तो ये इसमें फिलिंग है टेस्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ कैसा है इसका अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं समोसे कोई गलत नहीं है अच्छे समोसे हैं ये तो थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन तब भी टेस्ट अच्छा है इसका आप ले सकते हैं और स्टेशन पे आपको भी कुछ खाने के लिए चाहिए तो स्टेशन पे मिल जाएगा फिलहाल दो मिनट का हॉल्ट था डिपार्ट हम करने वाले हैं दौसा से चाय पी रहा हूँ मैं यदि चाय और चाय काफ़ी अच्छी है 10 रुपये की चाय है छोटे कप में फिलहाल हम बंदीकुई जंक्शन पहुंच चुके हैं स्टेशन कोटा बी के आई और यहां तक हमने जयपुर से 90 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए और बंदीकुई को जंक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि यहां से एक लाइन चली जाती है भरतपुर की तरफ वो आगरा फोर्ट के लिए जाती है भरतपुर से होते हुए और दूसरी चली जाती है दिल्ली की तरफ अलवर रेवाड़ी और दिल्ली सराय रोला होते हुए दिल्ली की तरफ तो उसी रूट पर हम जाएंगे और बाकी दूसरी तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं वो जयपुर से यहाँ पे आपको लगभग 5 से 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और खाने पीने के आइटम अवेलेबल हैं चिप्स मिल जाएंगी चाय जूस कोल्ड ड्रिंक तो ये सब आपको बांदीकुई जंक्शन पर मिल जाएगा तो बांदीकुई जंक्शन पर 3 मिनट का स्टॉप नहीं 5 मिनट का स्टॉप है और 3 मिनट पहले आ चुकी है तो 8 मिनट का स्टॉप है इसे मिल जाता है और ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन में 12 स्लीपर के कोचेज़ हैं और 4 बी के कोचेज़ हैं यानी AC 3 टायर के एक या तो इसमें AC 2 टायर के कोचेज़ होंगे और एक और बाकी इसमें जनरल कोचेज़ हैं 4 या 6 के आसपास में जनरल कोचेज़ हैं जो कि आजकल कोविड टाइम्स में रिजर्व्ड हो गए हैं जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे डबलिंग ट्रैक का काम चल रहा था इस बार पूरा हो गया है पिछली बार तक 11 महीने हो चुके हैं मुझे और यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा था पिछली बार अब हो चुका है तो 11 महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया है देख लो राजगढ़ का व्यू
चार ट्रैक और दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। स्टेशन कोड है RHG। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन चल रही है टाइम पे और फिलहाल दिल्ली तक शायद ही कोई क्रॉसिंग मिले। खाने पीने के आइटम तो यहाँ बिल्कुल शायद ना ही मिले, नहीं लग तो नहीं रहा कुछ मिलेगा राजगढ़ में। RHG स्टेशन कोड है, ध्यान रखिए। 114 किलोमीटर हमने यहाँ कवर कर लिया जयपुर से। अलवर जंक्शन पहुंच चुके हैं। 151 किलोमीटर हम यहाँ कवर कर चुके हैं, 151 किलोमीटर्स। और यहाँ पे फेमस है उसका अलवर फोर्ट। स्टेशन कोड है AWR। और अलवर की एक और चीज़ फेमस है, वो है मिल्क केक। मैंने बहुत खाई है, वो फेमस है यहाँ की। यहाँ मैं अभी ले नहीं रहा, तो खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, टाइम पे चल रही है ट्रेन, 11 बज चुके हैं। कोहरा बहुत है यहाँ पे, कोहरा बहुत है दिल्ली की तरफ। खाने पीने की चीज़ अवेलेबल है, चाय, बिस्किट, चिप्स, पेटीज, जूस, बिस्किट, बहुत बहुत सी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मिठाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी अलवर जंक्शन पे। ट्रेन में मैंने ये लिए चने, और 10 रुपये के पड़े चने, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो आप भी कभी आए तो ले सकते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते समय टाइम पास भी हो जाएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। ये चने भी लिए हैं मैंने और एक और आपको दिखाता हूँ। ये चने भी लिए, ये भी काफ़ी टेस्टी है, खा के देख लिए मैंने। ये भी 10 रुपये के, काफ़ी सही चीज़ होती है चने। आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ले सकते हैं, बेचने वाले आते हैं वो मात्र 10 रुपये में आपको ये चीज़ देंगे। पहुंच चुके हैं अब खैरतल। स्टेशन कोड इज KRH। 177 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम अभी। खाने पीने की आइटम तो यहाँ मुश्किल से मिलेगी, 2 प्लेटफॉर्म और वही 4 ट्रैक। जल्दी 2 मिनट का यहाँ हॉल्ट है।
लो भाई जल्दी।